हमने यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट किया। ब्लैंक चार्ट कैसे क्रिएट किया? हमने ब्लैंक चार्ट क्रिएट किया कि आप किसी भी जाके बस डेटा बिना सिलेक्ट किए हुए चार्ट बनाओ तो ब्लैंक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि चार्ट बनाना तो चाहते हैं लेकिन डेटा किसी सीट से लिंक नहीं करना चाहते, डेटा हम चार्ट के अंदर ही डालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ नंबर्स यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 50 50 50 350 है, मैं इसका यहाँ पे सम लगा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इक्वल सम 50 50 50 कर देता हूँ। तो हमने किसी इस फॉर्मूले के लिए किसी सेल से लिंक नहीं किया हुआ, राइट? तो सेम थिंग यहाँ हम चार्ट के अंदर डेटा डालना चाहते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डेटा पे जाइए, यहाँ पे कीजिए ऐड, यहाँ पे नेम दीजिए कि यहाँ पे टाइटल क्या होना चाहिए। तो हमने बोला टाइटल यहाँ पे सेल्स होना चाहिए, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट में अपने जो फिगर है वो फिगर को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, चार्ट बन गया। बट ये देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना। अब जिस सीक्वेंस में आपने सेल्स डाला है ना उसी सीक्वेंस यहाँ डाल दीजिए, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। अब देखिए आ गया। अब ये चीज आप डायरेक्ट सीरीज के फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स बना हुआ है, यहाँ पे क्वार्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यू बना हुआ है, राइट सर? करेक्ट। इस तरह से कर सकते हैं। इसका यूज हम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पर्संस के नेम है, ठीक है। अब नेम जो है सीक्वेंस में रखा हुआ है तो ये कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे नेम यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा दिल्ली का सेल है, दिल्ली का सेल है। अब इसको हमने यहाँ से मान चार्ट बनाना है हमें, लेकिन क्या है कि मेरे पास दो शीट पे डेटा है, एक जगह एक शीट पे दिल्ली का सेल है, दूसरे शीट पे मान लीजिए मेरे पास मुंबई का सेल है, ठीक है। दूसरी शीट पे क्या है? मुंबई का सेल, मतलब दो अलग अलग शीट पे। जी हाँ, दो अलग शीट पे। अब मुझे एक चार्ट बनाना है जो कि दोनों शीट से डेटा लेना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं मैं यहीं पे वी लुकअप लगा दूंगा या कॉपी पेस्ट लगा दूंगा, तो कर सकते। वो कब करेंगे? जब आपका चार्ट है ना वो सीक्वेंस में ना हो, समझ गए? अगर यहां भी सीक्वेंस है और यहां भी सीक्वेंस है, दोनों जगह पर सीक्वेंस है, तो आप एक काम करो कि इसको उठा लो, ठीक है। एक पे मान लीजिए मैंने बना लिया, अब इसी पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाओ और यहां पे दिल्ली का ऐड है, न्यू करो और न्यू में यहां लिखो मुंबई, ठीक है। और ये सीरीज वैल्यू के जगह पे आप इसको क्लिक करके चले जाओ मुंबई वाले शीट पे और मुंबई का डेटा सिलेक्ट करो एंड ओ यहाँ पे एडिट पे आके और इसको सेलेक्ट कर लीजिए नेम को, है ना? दोनों सेलेक्ट करके हो सकता है जी। ओके, अच्छा है तरीका, ठीक है। और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, हो सकता है कि एक डेटा हॉरिजॉन्टल दूसरा डेटा वर्टिकल, तो दोनों केस में आपस में कनेक्ट कर रहे, ठीक है। विदाउट इसमें अब बात करते हैं कि कंडीशनल, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कंडीशनल सेल्स की। जैसे इसी सेल्स की इसी पे बात कर लेते हैं कि डेटा हमारा है, दिख रहा है आपको? अब मुझे इसको चार्ट बनाना है तो इंसर्ट करके हमने मान लीजिए चार्ट बना दिया सर। बट प्रॉब्लम क्या है कि
कि मैं इसमें अलग अलग कलर करना चाहता हूँ, जैसे कि 80 वाले से का अलग कलर हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ, क्लास में मैं क्लास में बात करूँ आपको। एक घंटे में। ओके तो मैं इसको अलग अलग कलर करना चाहता हूँ, जैसे ये 80 क्रॉस कर दिया हुआ है ना, इसको इसको हम अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ये है जो आपका 20 के नियरेस्ट है उसको हम अलग कलर कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन अभी मैनुअली कर रहे हैं, फिर कंडीशन लगाया करेंगे। मनी भी कर रहे हैं, तो मैनुअली में दिक्कत हो जाता है ना, और दिक्कत का तो अभी तो कर लिया राइट, कल के डेट में तो चेंज हो जाता है, जैसे 20 जो यहाँ पे जो आपका 25 है ये 85 हो जाता है, तो कलर चेंज नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हमने लिया बिलो 40, ठीक है ना, एंड 40 to 80 एंड ग्रेटर देन 80। अब यहाँ पे हम इफ का कंडीशन देंगे कि इफ इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन 40 है, लेस देन, माफ कीजिएगा, लेस देन 40 है तो इसको शो करे, अदरवाइज ब्लैंक कर, या जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन किया कि इफ एंड हम बोला कि अगर ए वैल्यू ग्रेटर देन 40 एंड ए वैल्यू लेस देन 80 ऐसा अगर है तो इस वैल्यू को शो करे, अदरवाइज जीरो करे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन 80 है तो इसको शो करे, अदरवाइज जीरो करे। समझ गए? अब इस पे चार्ट लगाना है क्योंकि मुझे बीच में टोटल नहीं पकड़ना है, नेम लेना है, बाकी तीन लेना है, तो आपको अपने हिसाब से डेटा चाहिए होगा, पूरी डेटा में चार्ट नहीं लगाना है, कुछ कुछ डेटा में चार्ट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जैसे मान लीजिए मुझे यही चार्ट चाहिए, मिल गया। ठीक है, ब्लैंक चार्ट हाँ पहले लेंगे, फिर इसके ऊपर हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा में, सिलेक्ट डेटा में ऐड करते हैं और यहाँ पे देते हैं लेस देन 40। सबसे पहले क्या दे दिया हमने, लेस देन 40, लेस देन और लेस देन 40 में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो एक और ऐड दिए और ये हो जाता है 40 to 80, और 40 to 80 में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसी तरह से आप सब कॉलम सेलेक्ट करते जाइए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ये हमारा ग्रेटर देन 80 है और फिर यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने ले लिया देन ओके, और ठीक एडिट है। हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया नेम, हो गया सर। लेकिन काफी पतला आया ना, अब इसमें क्या है कि ग्रे वाला ग्रेटर देन 80 है तो मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है, और ये रेड वाला जो है हमारा 40 to 60 का है इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, और लेस देन 40 वाले को रेड कर देता हूँ। अब इसको किसी एक को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए फॉर्मेट डेटा पॉइंट, इसके यहाँ पे सिर्फ ग्रीन को सेलेक्ट किया ना आपने। हाँ, हाँ कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, और इसकी जो ओवरलैप है ना, इसको आप बढ़ाइए, बढ़ाते ही आपका चार्ट छोटा हो जाएगा। गैप विड्थ दिखा सर, हो गया ना सर, सही
सही है सर। अगर मुंबई में जो कॉलम बी में इंफॉर्मेशन है वहां परसेंटेज में होता है 85%, 65%। अगर सारा परसेंटेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले एक कॉलम परसेंटेज में, दूसरा कॉलम परसेंटेज में नहीं है, तो कल लास्ट क्लास बताया था ना आपको मैंने, सेकेंडरी एक्सेस, नहीं सेकेंडरी एक्सेस लेना पड़ेगा आपको, पूरा परसेंटेज में है कोई दिक्कत नहीं है। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल हाँ टू परसेंटेज। हाँ हाँ यहाँ 40% हो जाएगा, 40 की जगह, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो सीरीज आपका, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जैसे दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ ही सिलेक्ट किया, माफ कीजिएगा, यहाँ है ना रविंदर है, मुंबई और दिल्ली का है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहले है वो क्या, इसका है दिल्ली का है, करेक्ट। दूसरा है मुंबई का है, पहला है दिल्ली का, दूसरा है मुंबई का। अब यहाँ पे यहाँ दिखिएगा फॉर्मूला में यहाँ पे, कि जैसे मैं दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये वन हो जाता है, इसी को कहा जाता है सिक्वेंस। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस सिक्वेंस। अगर मैंने इसको वन को टू कर दिया तो ये दूसरे तरफ चला जाएगा, समझे? हाँ दूसरे नंबर पे चला गया। हाँ, वन किसी का पहले पा जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें मोर अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बतानी होती है, जैसे कि यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे हमारे बैंक, SBI, ये पर्सन ही रहने दीजिए, ठीक है, पर्सन ही रहने दीजिए। यहाँ पे सेल्स है, जैसे कि जैन का सेल्स है, जैन फैब का सेल्स है, राइट। हम पूरे ठीक पूरे 12 महीने का ले लेते हैं, 12 महीने, और मान लीजिए पांच बंदे ही हैं, बंदा कम कर देते हैं, ठीक है। है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इस पे चार्ट लगाता हूँ तो दो तरह है, अगर आप एक चार्ट तो ये लगा सकते हैं, कॉलम चार्ट, इससे क्या होगा कि जितने मंथ उतने ही कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है, और नेम के हिसाब से उस कॉलम का पार्टीशन हो जाएगा। इसमें आप एक पर्टिकुलर नेम वाइज और पूरा ओवरऑल का भी कर सकते हैं, टोटल का, ठीक है। तो मतलब जैन मंथ में नेम वाइज पार्टीशन आ गया जैन मंथ में टोटल 250 के आसपास सेल हुआ, मतलब कि इसका जो टोटल है वो आप देखेंगे 200 वो ढाई एक्सेस सौ है, 250 के आसपास हुआ। अब 250 में किस किस पर्सन का कितना है ना, उसका ये कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। करेक्ट। इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपको और ज्यादा जाना है तो मैं इसको 100% पे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ करेक्ट। कि 100% मतलब जनवरी के सेल में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो दिखा दिया। ये थोड़ा और इजी हो गया ये नेम समझने मंथ के वाइज लिए। कंपेयरिंग नहीं हुआ ना, तो किस मंथ में कम और ज्यादा है वो नहीं दिखाएगा ना। हाँ नहीं दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने नॉर्मल यही चार्ट लिया, राइट, ये काफी ज्यादा दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हेलो, अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है ना सर, कि अब मोहन का कौन है कैसे पता चले, पूजा का कौन कैसे पता चलेगा,
मुझे एक बार यहाँ से लेना पड़ेगा कलर, जब पूछा है कलर ए है तो ये कलर। अब बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड होते हैं क्या, तो इस केस में दो तरीके हैं। पहला कि मैं यहाँ पर ऐड डेटा लेबल कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर इसके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाएंगे और यहाँ पे सीरीज नेम कर देंगे, आ गया सर ठीक है ना। इस वैल्यू भी दे सकते हो और यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके इसको आप 90 डिग्री के एंगल में रोटेट कर दीजिए, ठीक है। हाँ लेकिन मैं एक बोलता हूं कि जो ठीक है, अगर थोड़ा मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा और मेहनत कर लो। मैंने क्या किया, यहाँ नीचे थोड़ा सा आता हूँ और मैंने इंसर्ट, और यहाँ से मैंने वर्ड आर्ट लिया, वर्ड आर्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पूजा, राइट। और इस पूजा को मैं यहाँ से एक अच्छे से सैप में डाल देता हूँ मेरा, और इसको अच्छा इस पे कलर वाइट, टेक्स्ट कलर यहाँ व्हाइट होना चाहिए, और इसकी फिल कलर भी व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हम करते हैं पेस्ट पिक्चर, ठीक है। लेकिन पेस्ट पिक्चर जब मैंने ओके किया तो साइड में थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है तो मैंने इसको कॉट कर देता हूँ, क्योंकि गैप आपके सेल्स में थोड़ा सा डिफेक्ट करेगा, ठीक है ना, 10-20 पॉइंट कम और ज्यादा बता देगा आपका। अब सही है, अब इसको मैंने कॉपी किया, पूजा पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल पे गया, फिल, और यहाँ पे हमने कर दिया पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स। ओके इसमें मैंने क्लिप बोर्ड लिया, मैंने कॉपी कर रखा हो ना तो क्लिप बोर्ड ले लिया, तो लेकिन गड़बड़ होगी ना, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि तो हमने पूजा को रोटेट नहीं किया है, इसको 90 डिग्री के एंगल में रोटेट करना है, ठीक है ना। अब इसको कॉपी कॉपी कर लीजिए और फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिल, पिक्चर्स, एंड एक बार और क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए ऊपर जाता हूँ मैं, बेटर है सर, हाँ बेटर ऐसे आप कर सकते हैं। अगर कोई कोई आपका प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का लोगो दे सकते हो, क्या कंपनीज करेक्ट है तो कंपनीज का लोगो दे सकते हो, इस चीज ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, है सर। इंटरेस्टिंग है, यूज यूज करें ना करें बट है अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग हाँ चीज। यूज कर सकते हैं इसको आप, जब आप करना चाहे तो, ठीक है, फॉर्मेटिंग में इसको लेके अच्छे से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, जब आप ऐसा ले रहे हैं तो इसका लेआउट, कभी कभी हम लोग जरूरत पड़ती है इसका डेटा का भी, तो जैसे आप लोग पीपीटी पे ले जाते हैं चाहे डैशबोर्ड ले जाते हैं, तो आपको चार्ट और डेटा दोनों ले जाना होता है ना, तो चार्ट और डेटा जब ले जाने का बाद आपको दिखे तो उस केस में आप क्विक लेआउट पे लेआउट नंबर 5 को यूज कीजिए, तो समझ में आया। क्योंकि चार्ट और मतलब चार्ट भी आ गया, मतलब नंबर्स भी आ गए और चार्ट डेटा भी भी आ आ गया। गया, मतलब डेटा टेबल भी आ गया और चार्ट्स भी आ गया, क्या इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते ये वाला कैसे आया ऐसा दोनों सिलेक्ट करके? हैं। हमने चार्ट को सेलेक्ट करके चार्ट डिजाइन पे गया और इसकी जो लेआउट होती है ना, लेआउट पे क्लिक किया, हाँ ठीक है, लेआउट 5, ओके लेआउट 5, ओके ये रहा, ठीक है। ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हमें चार्ट में फिल्टर लगाने होते हैं, जैसे डेटा तो पूरा है लेकिन जैसे कि आपको इतना जरूरत पड़ता है कि जैसे कि आपको दो तीन पीपट बना, दो तीन पावर पॉइंट बनाने हैं एक्सेल से,
तो किसी पावर पॉइंट में पे पूरा डेटा देना है, किसी पावर पॉइंट में कम डेटा देना है, तो आप अलग अलग सबका चार्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में मुझे एक 6 महीने का डेटा रखना है या किसी पर्सन का नहीं रखना है डेटा, तो ये यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि मुझे पूजा, कविता और रवि का डेटा नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके अप्लाई कीजिए, आपके चार्ट में डेटा नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, जहाँ रखना वहाँ रख सकते हैं आप। इस तरह से फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चार्ट को देख लीजिएगा, बाकी चार्ट नॉर्मल वही है क्योंकि ये चीज तो आप यूज करते हैं तो पता ही होगा। फिर भी आपको कोई लगता है कोई चीज चार्ट में मिसिंग है तो बताइएगा, हम कल जो है बात करेंगे डायनेमिक चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, जिसमें हम बात करेंगे कि बटन्स वगैरह कैसे बनाए, जो बटन्स है इस तरह चार्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए, एक बहुत बड़ी डेटा पे चार्ट कैसे बनाया जाए, चार्ट को क्या बोलते हैं 3D कैसे किया जाए, एनिमेटेड कैसे किया जाए, ठीक है सर। ठीक है सर, ये हम कल करेंगे। और कल ये पिवट पिवट चार्ट भी बताएंगे ना आगे। पिवट चार्ट वही है, पिवट चार्ट तो वही है जो नहीं बताया, जो चार्ट है वही पिवट चार्ट भी है, बस पिवट चार्ट पिवट टेबल से कनेक्टेड होता है, सिंपल सा। अच्छा, पिवट चार्ट भी अलग चार्ट नहीं है, हमें पिवट में दिखाया है। मैं समझ गया, पिवट ये पिवट को रिफ्रेश करेंगे तो चार्ट रिफ्रेश होगा, यही हुआ ना पिवट चार्ट। जी जी, ठीक। तो चार्ट जहां भी यूज हो रहा है ना सर, यही यूज हो रहा है, बस डेटा कनेक्टिविटी वगैरह चेंज होती है, बाकी सारी कंपोनेंट टिप्टो सेम है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। और कल जो होगा